मैडम आइए, डॉक्टर गोयल। सबको मेरा नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है द क्रैक पॉट, मतलब एक तरह से घड़ा है जिसमें की क्रैक है, एक द क्रैक पॉट। पुराने समय की बात है कि एक पहाड़ी पर एक हवेली थी, तो उस जमाने में पानी जो है दूर झरने से लाया जाता था। तो घर में कुछ पॉटर्स रखा करते थे जो कि अपने कंधे पे एक रॉड वो डंडा रखते थे और दोनों तरफ गढ़ा बांध के और रोज झरने से पानी लाया करता था। तो वो डेली जाता था और डेली वहां से पानी काफी दूर पहाड़ी पे चढ़ के अपने मालिक के घर में पानी दिया करता था। जो वो नौकर था तो वो डेली ये काम करता था। एक तरफ जो घड़ा था वो बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें पानी बिल्कुल सुरक्षित घर तक पहुंच जाता था। दूसरा जो घड़ा था उसमें हल्का सा क्रैक था, जिसकी वजह से एक एक दो दो बूंद उसमें से गिरता रहता था। जब वो पहुंचता था अपने घर तो वो पॉट आधा खाली हो जाता था। तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वो जो पॉट जो खुद आधा घड़ा जो जिसमें छेद होता है, उसे बहुत अफसोस होता है कि ये नौकर इतनी मेहनत करता है और पानी भी लाता है और मेरी कमी की वजह से वो जब तक घर पहुंचता है तो खाली हो जाता है। और जो दूसरा घड़ा होता है वो बहुत खुश होता है कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूं और मेरी वजह से इसको कोई अफसोस की बात नहीं और मैं अपना काम पूरे ठीक से कर रहा हूँ। उसको थोड़ा घमंड सा भी होता है इस बात का। लेकिन जो दूसरा पॉट है वो बहुत दुखी होता है। वो एक दिन उससे नौकर से कहता है कि देखो तुम इतनी मेहनत करते हो और महीनों से चला आ रहा है और मैं तुम्हारी मेहनत पे पानी फेर देता हूँ, ये आधा ही पहुंच पाता है। वो उसे समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है। आज जब हम पानी लेके जब मैं रास्ते पे पहाड़ी पर चढ़ूंगा तब तुम ध्यान देना कि तुम्हारी साइड पे कितने सुंदर फूल उगे हुए हैं। तो वो देखता है, इतने में पॉट देखता है कि बड़ी सुंदर अच्छी हवा चल रही है झरने की और इतने सुंदर फूल हैं हर रंग के और इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं उसके वाले रास्ते पर। लेकिन जब वो घर पहुंचता है फिर देखता है कि आधा घड़ा रह गया है। फिर भी वो दुखी होता है कि नहीं मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरी वजह से ये कमी जो है उस नौकर को रह जाती है। जब वो इतना दुखी होता है फिर नौकर उसे समझाता है कि देखो मैंने जब तुम्हारी जो कमी है वो मुझे बहुत समय से मालूम है, पहले से। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे में क्रैक है। तो मैंने जो है इसमें बीज डाल दिए थे, इस रास्ते में बहुत सुंदर फूलों के हर रंग के मैंने बीज डाल दिए थे और अनजाने में तुम उसमें रोज पानी दे रहे हो, उन बीज में पानी दे रहे हो और वो इतने सुंदर फूल बगिया बन चुकी है। आज जब हम आएंगे तो ध्यान देना कि दूसरी तरफ एक भी फूल नहीं है और अनजाने में तुमने इतना अच्छा काम किया है और उन्हीं फूलों से फिर मैं मालिक के घर को सजाता हूं। तो तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है कि तुम काम नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और बहुत उसको समझ आता है कि मेरे में जो कमी है उसको समझते हुए भी अगर हम अपने टैलेंट को यूज करेंगे तो कितनी अच्छी बात है। घर तो मतलब उसके अब वो पानी ले जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दो काम कर रहा है, पानी भी ले जा रहा है और घर को सजाया भी जा रहा है और पौधे भी उग रहे हैं। तो एक तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जानते हैं हमारी कमियों को और उनका यूज कैसे करना है वो भी हमें गाइड करते रहते हैं। तो भगवान के राज में कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज का कहीं ना कहीं यूज है। और उसी तरीके से सबकी कमियां जो भी है उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं ये बात हमें खुद भी पता चल जाती है और भगवान जानते हैं कैसे करवाना है। तो मैं कहना चाहूंगी सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर फ्लॉज, एक्नॉलेज देम, यू टू कैन बी द कॉज ऑफ ब्यूटी, हु नोज दैट इन आवर वीकनेस वी कैन फाइंड आवर स्ट्रेंथ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।